कि एक लड़की अपनी फ्रेंड ब्रिटनी के साथ में थी। वो अभी अभी थिएटर से मूवी देखकर बाहर आए थे और फिर वे दोनों अब अपने अपने घर को जाने वाले थे। जेनेट अपने कार से अपने घर जा रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि एक आदमी उसका पीछा कर रहा है। और फिर जेनेट कार से अपने घर आती है और वो चेंज करने के बाद में ब्रिटनी से टेक्स्ट पर बातें करती है, जिसके बाद में जेनेट फ्रिज से कुछ खाने का सामान ले रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। उस आदमी ने अपने बदन पर कोई शर्ट नहीं पहना हुआ था और उसने अपने चेहरे पर एक तरह का मास्क लगा रखा था। वो आदमी सडनली पीछे से आकर जेनेट को पकड़ लेता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये एक नहीं बल्कि दो लोग हैं जिनके साथ में जेनेट है और वो कार में बंधी हुई है। ये जेनेट के फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे और फिर ये जेनेट को कार से निकालकर उससे मोलेस्ट करते हैं और सड़क पर पटक के उसके फ़ोटोज़ क्लिक करते रहते हैं। अगेन ये सीन यहीं पर कट होता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी अपने रूम में है और वो एक फ़ोटो को प्रिंट करता है जो कि जेनेट का ही फ़ोटो था। उस फोटो में जेनेट मरी पड़ी हुई थी। फिर अगले सीन में हम एक कॉलिन नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो कि अपने ग्रोसरी स्टोर पर अपने काम पर आती है, जहाँ पर उसे बुलेटिन बोर्ड पर लगा हुआ जेनेट का वही फ़ोटो मिलता है जिसमें वो मरी हुई थी। अगले दिन कॉलिन पुलिस स्टेशन पहुँचती है उसी फ़ोटो को लेकर, लेकिन पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि ये फ़ोटो फेक है और इसे जानबूझकर ऐसा खींचा गया है, क्योंकि अगर ये रियल फ़ोटो होता तो उन्हें विक्टिम की बॉडी कहीं ना कहीं मिल ही जाती। फिर कॉलिन को उसके बॉयफ्रेंड बेन का टेक्स्ट आता है और वो उसे लेने नहीं आ पाता है, जिसके बाद में कॉलिन अपने घर चली जाती है। और फिर हम ये देखते हैं कि वो किलर एक और फ़ोटोज़ का प्रिंट निकालता है जिसमें और कोई नहीं बल्कि कॉलिन ही थी। घर आने के बाद में कॉलिन अपने कपड़े चेंज करती है और फिर उसे एक मैगज़ीन दिखाई देती है जिसमें एक मॉडल उसी पोज में थी जैसे कि वो लड़की का फ़ोटो था। मैगज़ीन वाली मॉडल का फ़ोटो पीटर नाम के फ़ोटोग्राफ़र ने क्लिक किया था, जो कि मॉडल्स के इरोटिक फ़ोटोज़ लेने के लिए फेमस था। पीटर को भी एक ब्लॉग से ये पता लग गया था कि कोई व्यक्ति उसके फ़ोटोग्राफ को रिक्रिएट कर रहा है, लेकिन डेड मॉडल्स के रूप में। अब ये न्यूज़ थी स्पीयरफिश नाम की एक जगह की, जहाँ पर पीटर बचपन में रहा करता था। और पीटर को आइडिया आता है कि क्यों ना ऐसे ही फ़ोटोग्राफ्स लिए जाएँ जिसमें मॉडल्स डेड जैसी दिखाई दे। पीटर अपनी गर्लफ्रेंड रोज और असिस्टेंट क्रिस को अपना आइडिया सुनाता है और फिर वे स्पीयरफिश जाने का प्लान करते हैं कुछ मॉडल के साथ में। अगले सीन में कॉलिन का बॉयफ्रेंड उसे उसके सुपरमार्केट छोड़ने आया हुआ था, क्योंकि उसके यहाँ पर आज नाइट शिफ्ट थी और उसे आज कुछ हिसाब किताब करना था। जहाँ पर कॉलिन अपने कुछ काम में बिजी थी और यहाँ वही दो मास्कमैन एंटर होते हैं। फिर जब कॉलिन वहाँ के बाथरूम को यूज़ कर रही थी तब ये दोनों बाथरूम के बाहर खड़े थे कॉलिन को पकड़ने के लिए। लेकिन जब कॉलिन बाथरूम से बाहर आती है तो ये कॉलिन को नहीं बल्कि किसी और लड़की को किडनैप कर लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है और फिर हम देखते हैं कि पीटर अपनी गर्लफ्रेंड रोज, असिस्टेंट क्रिस और दो मॉडल विक्टोरिया और ट्रिप के साथ में स्पीयरफिश के लिए निकल रहे थे, जहाँ पर उन्हें वो डेड बॉडी वाला शूट करना था। स्पीयरफिश आकर ये सभी एक ग्रोसरी स्टोर में आते हैं कुछ खाने का सामान लेने के लिए, जहाँ पर उन्हें बाहर एक रेड कार दिखाई देती है, जिससे पीटर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसके ऑनर के लिए एक नोट छोड़ देता है कि उसे उसकी कार को फ़ोटोशूट के लिए हायर करना है। अब स्टोर के अंदर सभी अपनी ज़रूरतों के सामान ले रहे थे और क्रिस बस सभी के काम कर रहा था। फिर बिलिंग काउंटर पर क्रिस की मुलाकात कॉलिन से होती है और पीटर भी उसे देखकर उसकी खूबसूरती से इम्प्रेस हो जाता है। वो क्रिस से कॉलिन को अपने विला का एड्रेस देकर उसे पार्टी में इनवाइट करने को कहता है और फिर क्रिस कॉलिन को पीटर का कार्ड दे देता है। अब हम ये देखते हैं कि सुपरमार्केट के बाहर खड़ा हुआ वो लाल ट्रक किडनैपर यानी कि मास्कमैन का है, जो अक्सर वहाँ पर जाया करता था। उस मार्क्समैन को पीटर का कार्ड मिलता है जिसमें पीटर ने उसे उसकी कार हायर करने के लिए इनवाइट किया हुआ था, जिसके बाद में वो मास्कमैन सुपरमार्केट से सामान लेकर अपने घर आता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि नीचे बेसमेंट में एक लड़की पिंजरे में कैद है, जिसे वो मास्कमैन किटी बुला रहा था और वो उसे खाने में बिल्लियों का खाना ही देता है खाने के लिए, जिसे वो लड़की नहीं खाती। मतलब कि किडनैपर ने बाथरूम से जिस लड़की को किडनैप किया था वो कॉलिन नहीं बल्कि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। किडनैपर मास्क मैन जिल का फ़ोन लेता है और उसमें वो कॉलिन के फ़ोटोज़ देखता है और फिर वहाँ पर इस किडनैपर का एक और पार्टनर नीचे आता है जो कि कुछ अजीब हरकतें कर रहा था, जिसके बाद में दोनों मिलकर जिल को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं और उसे बहुत पीटते भी हैं। फिर यहाँ पर कॉलिन जिल को मैसेज करके बताती है कि वो एक पार्टी में जा रही है जहाँ पर वो जिल को बुलाती है, लेकिन कॉलिन को ये नहीं पता था कि जिल तो मर चुकी है और उसके फ़ोन से वो किडनैपर टेक्स्ट कर रहा है। और फिर हम पीछे ये देखते हैं कि किडनैपर का पार्टनर एक कारी से जिल के छोटे छोटे टुकड़े करने में लगा हुआ है। इधर पीटर के विला में पार्टी चल रही थी और पीटर ने सभी लोकल लोगों को बुलाया हुआ था ताकि वो उनमें से भी कुछ मॉडल्स को सिलेक्ट कर सके। कॉलिन उस एड्रेस पर पहुंच जाती है जहां पर उसने जिल को भी बुलाया था। वो जिल को टेक्स्ट करती है लेकिन जिल को मैसेज नहीं पूछता, जिसके बाद में वो खुद अकेली ही अंदर पार्टी में चली जाती है। विला के अंदर जाने पर कॉलिन देखती है कि अंदर पार्टी चल रही है जिसमें पीटर कॉलिन के बार बार फोटोज़ ले रहा था, जिससे कि कॉलिन को बहुत अनकंफर्टेबल महसूस होता है और वो उसे धक्का दे देती है। कॉलिन और पीटर की गर्लफ्रेंड रोज के बीच में लड़ाई होने ही वाली थी, लेकिन क्रिस बीच में आकर सब कुछ संभाल लेता है, जिससे होता यह है कि कॉलिन तुरंत उस पार्टी से निकल चुकी थी और पीटर की तरफ से उसका असिस्टेंट कॉलिन को सॉरी कहता है क्योंकि वो एक अच्छा इंसान था। कॉलिन जब अपनी कार के पास पहुंचती है तो उसे वहाँ पर एक फ़ोटो मिलता है और उसमें विक्टिम की हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। उस फोटो में विक्टिम के चेहरे पर चमड़ी नहीं दिखाई दे रही थी और बस उसके चेहरे पर हड्डियाँ ही दिख रही थी, जिसे देखने के बाद में डर के मारे कॉलिन पुलिस को वहाँ पर बुलाती है और जल्दी ही पुलिस विला पर पहुँच चुकी थी और विला में सभी लोगों से पूछताछ चल रही थी। कॉलिन को ये लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है जानबूझकर और उससे ये फ़ोटोज़ भेज रहा है। पुलिस की पूछताछ के बाद में कॉलिन जब अपने घर पर पहुंचती है तो उसका बॉयफ्रेंड बेन वहां पर था जो उस पर अकेले पार्टी में जाने पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। और फिर कॉलिन को ये लगता है कि शायद बेन ही उसके साथ में ये फ़ोटोज़ वाले मजाक कर रहा है, जिससे कि दोनों में लड़ाई हो जाती है। फिर बेन वहाँ से अपनी चाबियाँ लेकर निकल ही रहा था और बाहर आते ही उसे एक परछाई दिखाई देती है और फिर अगले ही पल वो मास्कमैन आदमी बेन को पकड़कर अपने साथ में ले जाता है, जिसके बाद में वो कॉलिन के घर में भी घुस चुका था और इस बारे में कॉलिन को कुछ भी नहीं पता था। कॉलिन लगातार जिल से बातें कर रही थी जो कि असल में जिल नहीं बल्कि किडनैपर था। अगले दिन क्रिस उस फोटोज़ को जूम करके देखता है तो वहाँ पर नंबर 8 लिखा हुआ था और उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर होगी। फिर पीटर उससे कहता है कि उससे कॉलिन पसंद आ गई है, मतलब कि कॉलिन फ़ोटो शूट करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और उसके लाए हुए सारे मॉडल्स कॉलिन के आगे फेल हैं। जिसके बाद में पीटर और क्रिस दोनों कॉलिन से उसके स्टोर पर जाकर मिलते हैं जहाँ पर वो कॉलिन को ऑफ़र करता है कि वो उसके साथ में लॉस एंजल्स चले उसके स्टूडियो, क्योंकि यहाँ पर उसका पीछा वो सीरियल किलर कर रहा है। पीटर अब काम करते करते थक चुका है और वह चाहता है कि वो कॉलिन के साथ में एक लास्ट फोटोशूट करे, जिसके लिए कॉलिन मान जाती है। पीटर और उसका क्रू कल ही लॉस एंजल्स के लिए निकलने वाले थे और पीटर के यहाँ पर आज रात को स्टे भी थी, जिसके लिए वो कॉलिन को इन्वाइट भी करता है। कॉलिन अपना सामान लेने अपने अपार्टमेंट में जाती है और वो वहीं से अपने बॉयफ्रेंड को टेक्स्ट करके इसकी जानकारी देती है, लेकिन बेन को तो किडनैपर ने किडनैप करके रखा हुआ था और उसका फ़ोन भी किडनैपर के पास में ही था, जिससे किडनैपर को भी ये पता लग गया था कि वो कल लॉस एंजल्स के लिए निकल रही है और आज वो पीटर के विला में रुकी हुई है। जिसके बाद में दोनों मास्कमैन किडनैपर बेन को भी वहाँ पर मार डालते हैं। फिर रात के समय पीटर के विला में सभी कल निकलने के लिए तैयारी कर रहे थे। पीटर के मॉडल विक्टोरिया और ट्रिप एक ही रूम में थे और कुछ ज़्यादा ही करीब आ रहे थे और हम देखते हैं कि ये किडनैपर्स भी इसी विला में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। सभी लोगों को अपने अपने रूम मिल चुके थे और क्रिस और कॉलिन के लिए बस एक ही रूम बचा हुआ था, जिसे उन दोनों को शेयर करना पड़ रहा था। और फिर हम देखते हैं कि क्रिस और कॉलिन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होने लगी थी। पीटर अपनी गर्लफ्रेंड रोज के साथ में अपने रूम में था और तभी उसे एक आइडिया आता है कि क्यों ना रोज का एक नाइट शूट किया जाए, वो भी स्विमिंग पूल में। और इसी कारण दोनों अपने रूम से निकलकर स्विमिंग पूल में आ जाते हैं। रोज अपना बाथरूम उतारकर पूल में उतरती है और फिर पीटर उसके बैक साइड के फोटोशूट करने में लगा हुआ था कि तभी पीछे से मास्क पहने किडनैपर आकर पीटर की पीठ में छुरा घुसाता है और उसका गला काटकर उसे मार डालता है। लेकिन इस बात की खबर रोज को नहीं थी, वो तो बस अपना फोटोशूट करवा रही थी और अंधेरे का फ़ायदा उठाकर किडनैपर ही रोज के फोटोज़ ले रहा था। रोज को जब तक ये पता चलता है कि वो पीटर नहीं बल्कि मास्कमैन है, तब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाती है और दूसरा किडनैपर पीछे से आकर रोज के मुंह को टॉवेल में लपेट लेता है और वो उसे वहीं पर बेदर्दी से मार डालते हैं। यहाँ पर रूम में विक्टोरिया और ट्रिप अपने लव मेकिंग के दौरान वीडियो शूट कर रहे थे और जब विक्टोरिया उस क्लिप को फ़ोन में देखती है तब सडनली उसके ऊपर मास्कमैन आकर अटैक कर देता है और वो मास्कमैन विक्टोरिया और ट्रिप का गला एक साथ में काटकर दोनों को ही बेड पर मार डालता है। अब यहाँ पर रूम में सिर्फ कॉलिन और क्रिस थे। कॉलिन को सोना था और क्रिस को अभी भी अपने लैपटॉप में काम करना था। इसके लिए वो अपना लैपटॉप लेकर नीचे चला जाता है और उसके पीछे पीछे आते हैं मास्कमैन। नीचे आने पर क्रिस को रोज की लाश ज़मीन पर पड़ी हुई दिखाई देती है और वो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रही है। क्रिस कॉलिन को बताने जाता है लेकिन तभी वो दोनों मास्कमैन पूरे विला की लाइट को काट देते हैं, जिससे कि पूरे विला में अंधेरा हो गया था और क्रिस आगे बढ़ने के लिए कैमरा के फ्लैश का सहारा ले रहा था। और फिर तभी होता ये है कि अंधेरे का फ़ायदा उठाकर मास्कमैन पीछे से आकर क्रिस की खोपड़ी में चाकू घुसाकर उसे वहीं पर तुरंत मार डालता है। अब यहाँ पर कॉलिन अकेली बची हुई थी और वो अपने रूम में छुप जाती है और इतने में मास्कमैन किडनैपर्स फिर से लाइट को ऑन कर देते हैं ताकि वो कॉलिन को पकड़ सके। कॉलिन जैसे तैसे रूम से बाहर आती है और जब धीरे धीरे वो नीचे ड्राइंग एरिया में आती है तो वे देखती है कि सारे लोग मरे पड़े हैं और दोनों मास्कमैन उनकी बॉडीज़ को काट रहे हैं। कॉलिन इस नज़ारे को देखकर बहुत बुरी तरह से डर चुकी थी और अब मास्कमैन उसके पीछे कैमरा लेकर पड़ता है और एक फ्लैश के साथ में ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर अगले सीन में बताया जाता है कि एक लड़की अपनी कार से उतरती है और किसी होटल में जा रही थी, जहाँ पर एक ग्लास के ऊपर उसे फ़ोटो चिपका हुआ दिखाई देता है, जिसमें कॉलिन एक सोफे पर बैठी हुई थी और पीटर और उसकी पूरी टीम के लोग मरे थे। लेकिन उस फोटो को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये बस फ़ोटोशूट के लिए पोज दे रहे हैं। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी में ये बताया गया है कि दो साइको किलर हैं जो बस लड़कियों को मारकर उनका फ़ोटोशूट करते हैं और जिस भी लड़की को ये चूज़ करते हैं उसे पहली लड़की का फ़ोटो दिखाते हैं। लेकिन ये दोनों मास्कमैन किलर पीटर नाम के मशहूर फोटोग्राफर के मॉडल की कॉपी करते हैं और जब पीटर को पता लगता है कि इनके फ़ोटोज़ बहुत बेहतरीन है और पीटर इन किलर के फ़ोटो को कॉपी करने के लिए स्पेयर सिटी जाता है, लेकिन वहाँ पर होता यह है कि उसकी और उसकी पूरी टीम ही मर जाती है। मूवी के लास्ट वाले सीन में एक लेडी को कॉलिन वाली फ़ोटो मिलती है, जिसमें कॉलिन को छोड़कर सब मरे हुए थे और हो सकता है कि उन्होंने कॉलिन को नहीं मारा हो और उसे जिंदा ही छोड़ दिया हो। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि जल्दी बहुत सारे वीडियोस